क्या है? वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? देखो, गली में खड़े होके किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। अरे वो जो तुम अज्जू से गली में खड़े होके बातें कर रही थी ना, उसी की तो बात कर रहा हूं मैं। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। माही, तुम कब आई? पापा थोड़ी देर पहले आई थी आप ही से मिलने के लिए, बस अब घर जा रही हूँ। अरे आराम से जाना, खाना खा के जाओ, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठो। अब पापा देर हो रही है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, टेंशन ना लो, चलो आओ। शाबाश। तुम गई नहीं अभी तक? हाँ, बस थोड़ी देर में जा रही हूँ, बाबा ने कहा कि मुझे ड्रॉप कर देंगे। हाँ एमन, मैं माहिन को ड्रॉप कर दूंगा। मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। ये आप बाबा से किस लहजे में बात कर रही हैं? आप ही वैसे तो बहुत मैनर्स सिखाती हैं हमें, और खुद बदतमीजी कर रही हैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही मैं इनसे बात करती हूँ, मगर आप। माहिन बेटा, कोई बात नहीं, इतनी सी बात के लिए आपस में मत उलझो। माहिन, अभी और इसी वक्त तुम घर जाओ। चली जाऊंगी जब मेरा दिल करेगा, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हेलो, मैं बाद में बात करता हूं, बिजी हूं इस वक्त। ओके। बाबा, आपका फोन तो बहुत अच्छा है, मैंने तो आज तक ऐसा फोन कभी यूज नहीं किया, बल्कि हमेशा हसरत ही रही कि ऐसा फोन मेरे पास भी हो। अच्छा, इतना अच्छा लगा तुम्हें, तुम ले लो। क्या पागल हो गई हो माही? क्या बच्चों वाली हरकत है? हमें नहीं चाहिए। आपको नहीं होगी लेकिन मुझे जरूरत है। आपको तो ऐयान भाई दिला देते ना, मुझे कोई दिलाने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम अपने लिए बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल ले लेना। थैंक यू सो मच बाबा। रूज, बेटा इतने गुस्से में कहाँ जा रही हैं आप? ताईजान, मैं आज उस माहिन को नहीं छोड़ूंगी। वो क्या समझते कि मुझसे मेरे बाबा को दूर कर देगी? देखिए रूज, अगर आप इस तरह हर बात पर गुस्सा करती रही ना, तो आप खुद अपने बाबा को अपने आप से दूर कर देंगी। आप इस हकीकत को अब तस्लीम कर लें कि एमन और माहिन दोनों अयाज की बेटियां हैं, और जितना आपका उन पर हक है ना, उतना ही उन दोनों का भी हक है। वो सिर्फ मेरे बाबा हैं, उनकी वजह से मेरी मामा मुझे छोड़ के चली गई, अब वो मेरे बाबा को भी मुझसे दूर कर रही हैं। रूज, अयाज के लिए आप तीनों बराबर हैं, उन्होंने कभी भी आपको अपनी सगी औलाद से कमतर नहीं समझा। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ रूज, लेकिन बेटा आप क्यों अपना खून जला रही? और क्या करूं ताईजान, बाबा बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे, उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं है मुझमें इतना हौसला। इसको क्या हुआ मामा? बेटा रूज अयाज की मोहब्बत को किसी के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं, मैं तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आपको चाचू से बात करनी पड़ेगी, रूज इस बात को बहुत ज्यादा फील कर रही है। चाचू को रूज को एतमाद में लेना पड़ेगा, वरना इस तरह तो रूज बहुत इनसिक्योर हो जाएगी। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो एमन? मुझे भी माहिन ने आज ही बताया है, मगर ये नहीं बताया कि लड़का कौन है। आपको बताया क्या? नहीं, मुझसे तो उसने कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, मैंने सोचा आपके इल्म में ये बात ले आऊं। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो ये बात मुझे बता दी। मैं भी कहूँ ये इसके पास इतनी महंगी महंगी चीजें हैं। अम्मी आप माहिन को प्यार से समझाइएगा प्लीज, ऐसे मामले बहुत नाजुक होते हैं, ऐसा ना हो कि आपकी सख्ती की वजह से वो कोई गलत कदम उठा ले।
अरे बेटा, उससे तो आराम से बात करो तो भी बुरा मना जाती है। मुझे तो वो अपनी माँ नहीं समझती, बस दुश्मन समझती है। मेरी तो समझ से बाहर है ये लड़की। मम्मी आप जानती तो हैं उसे, उसका मिजाज ही ऐसा है। इसीलिए तो कह रही हूँ आप उसे आराम से समझाइएगा। अरे बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि अब ये अपने घर की हो जाए। जल्द से जल्द कोई लड़का अच्छा देख कर इसके हाथ पीले कर दूं, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अभी कल रात की बात। कल रात क्या? मैं कुछ नहीं बेटा, बस वो मेरी सुनती नहीं है कोई भी बात। कल रात भी एक काम के लिए कहा तो मना कर दिया उसने। आप परेशान ना हो, इतनी टेंशन मत लिया करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लड़की तो है ही मेरी टेंशन, कैसे टेंशन ना लो, हद होती है भला। देखो अकल पे पट्टी बंधी हुई है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी? हेमंत से। हेमंत से या हेमंत के बाप से? जब आपको मेरी बात का यकीन ही नहीं आता है तो मुझसे पूछते क्यों है? अबे बेबी है तू मेरी, एक बार नहीं हजार बार पूछूंगा। अगर हेमंत से बात करी तो मुझे देखती फोन क्यों बंद कर दिया? ये बात भी हेमंत से ही पूछ लें आप। फिर बहुत सवाल चल रही तेरी। अब पापा बस यहीं आके रोक दीजिए प्लीज। अभी तो घर बहुत दूर है बेटा। पापा मम्मी मुझे आपके साथ आते हुए देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे। अच्छा, मैं अभी रोकता हूँ। थैंक यू सो मच पापा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कौन लड़का हो सकता है? मैं कैसे पूछूं माँ इनसे, वो मुझे बताएगी नहीं। चाय तो पिला दो जैनब जी, अब तो चाय के लिए भी कहना पड़ता है। बिना मांगे तो घर में कुछ मिलता ही नहीं। अब बनाती हूँ। वो जो लड़का रहता था आपके साथ शादी से पहले, क्या नाम है उसका? अजू। हाँ अजू। क्या वो शादीशुदा है? एक तारा है, मेरे सामने का बच्चा है, शादीशुदा कहाँ से आ गया? अच्छा, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो बस ऐसे ही अक्सर आते जाते देखा है ना आपके पास, तो इसलिए पूछ रही थी। बड़ा शरीफ लड़का है भाई, जिस घर में भी शादी करेगा ना उस लड़की को बहुत अच्छे से रखेगा। अब बड़ा ठीक ठाक कमाता है, बड़ा मेहनती है, बस यूं समझ लो कि जिस घर का दामाद बनेगा ना उस घर के वारे न्यारे हो जाएंगे। और ईमानदारी की बात है, मुझे तो बहुत पसंद है वो लड़का, तुम्हें भी पसंद है क्या? जी क्या मतलब आपका? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम उसके शादीशुदा या गैर शादीशुदा होने का पूछ रही हो या सोच रही हो तो कोई लड़की तो देखी होगी तुमने। मैं क्यों देखूंगी उसके लिए लड़की? ले मैं समझा मेरा काम हो गया, बिलावल ये खुशफहमी का शिकार हो गया मैं। फिर ये सहना उसकी शादी का मुझसे पूछ क्यों रही थी? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो मामा ने डिनर प्लान किया था, वो सनिया चाची चली गई ना तो रूज काफी अकेली हो गई, तो उसको ऐसे ही घुमाने फिराने। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या पहनूं? तुम नहीं जाओगी? क्या मतलब मैं नहीं जाऊंगी? अभी तो आपने कहा कि हम सब डिनर पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर तुम जाओगी तो रूज रिलैक्स होने के बजाय मजीद स्ट्रेस लेगी।
इसलिए मामा ने डिसाइड किया है कि तुम नहीं जाओगी। ये फैसला मामा का है या आपका? तुम मुझ पे शक कर रही? मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ रूज के साथ, मामा साथ जा रही है मेरे। तो आप मुझे वजाहत क्यों दे रहे? क्योंकि इस वजाहत के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। मैंने क्या कहा है? मैंने तो बस पूछा था। तुम्हारे पूछने का अंदाज तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। इतनी देर लगाती। अयान बेटा आ जाए, इतनी देर हो गई है, कितना टाइम लगाएंगे? और जी मामा आया। चले तुम क्या समझती थी मुझसे सब कुछ छीन लोगी? सब कुछ पाकर भी तुम खाली हाथ रह जाओगी। जिस तरह आज यहां तुम अकेली खड़ी, ये तो शुरुआत है हेमंत। अभी देखो मैं तुम्हें कितनी अजियत देती। बाय। रशीद साहब को मेरी तरबियत पे उंगली उठाने का मौका क्यों दे रही हो? कौन है वो लड़का? माही मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, बताती क्यों नहीं हो? यह आग हेमंत आपने लगाई है ना? उसने कोई आग नहीं लगाई है। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है जो एक शादीशुदा इंसान से शादी करने चली हो? कौन है वो? कोई नहीं अम्मी। सच बताओ मुझे माहीन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई लड़का नहीं है? तुम पागल हो माही, तुमने अमन भाभी को सब बता दी? आपने ही तो कहा था कि मुझे किसी से मशवरा करना चाहिए। तो दुनिया में तुम्हें सिर्फ अमन भाभी बताने के लिए मिली थी। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो आपकी भाभी के अलावा मेरी बड़ी बहन भी हैं, और उनसे अच्छा मशवरा मुझे कोई नहीं दे सकता। तो ठीक है, भूख तो आप जब बता दिया तुमने। अच्छा ना, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये तो शुक्र है कि तुमने अमन भाभी को बताया। किसी और को बताया होता तो आज मेरी खुदकुशी की जिम्मेदार होती। अब हंस क्यों रही? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ना, सॉरी, आइंदा नहीं तंग करूंगी आपको। बस माहीन, अगर आपके साथ ऑफिस में जॉब करती हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उन्हें सारे शहर में लेकर घूमते फिरें। मामा ऐसा हरगिज नहीं जैसा आप समझ रही हैं। वो तो हम ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए थे इसलिए कॉफी शॉप चले गए थे, और हमारे साथ और भी कलीग्स थे। जी, जब मैंने आप दोनों को देखा तो आपके साथ कोई नहीं था। शायद मेरी आंखें खराब हो गई हैं या उन सब लोगों ने सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी। मामा वो लोग उसी वक्त गए थे, उन्हें पता चल गया था कि मैं आ रही हूं। शाज़िब प्लीज, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और आप इस वक्त यही कर रहे हैं। मामा मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। समझने की जरूरत आपको है। माहीन और हेमंत को लेकर पहले ही घर में इतनी टेंशन है, घर का माहौल खराब हो गया। मामा उरूज ने बिलावजह इस घर में टेंशन मचाई हुई। हेमंत भाभी और माहीन अयाज चाचू की बेटी है, वो दोनों भी तो हमारी कजन जी है, तो इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज है? और आप ये रिश्ता निभाने के लिए माहीन को सारे शहर में आउटिंग करवा रहे। अयाज का माहीन के साथ जो भी रिश्ता है वो उन्हें निभाने दें, मगर मुझे आपका उस लड़की को इस तरह रोडों पर लेकर घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चाहती तो आपको उस लड़की के सामने डांट भी सकती थी, लेकिन मैंने खामोश रहकर आपकी इज्जत रखी। अब आपको भी चाहिए कि आप मेरी इज्जत रखें लोगों के सामने। ऑफिस के रिलेशनशिप को ऑफिस तक ही महदूद रखें तो अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि घर में कोई टेंशन हो। समझ आई?
क्या होगा, अब तो शाहजेब की अम्मी ने भी देख लिया। क्या हो गया, किसने किसको देख लिया, क्या बड़बड़ा रही हो? किसी ने नहीं, आप अहमद आपी को कॉल करें ना, उनसे पूछे उनके घर में सब खैरियत है। क्यों, क्या हुआ? एमन ने तुमसे कुछ कहा है क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा दिल घबरा रहा है, अजीब बेचैनी सी हो रही है। तो तुम खुद फोन करके मालूम कर लो। मैं नहीं करूंगी भाई, आप करें। तुम क्यों नहीं कर रही हो फोन? माही क्या बात है बेटा, मुझे बताओ तो सही, कहीं एमन से फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? अम्मी मैं क्यों बोलूंगी एमन आपी को, बस मेरा दिल चाह रहा है, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। अब अगर मैं उन्हें कॉल करके बताऊंगी तो वो कहेंगे खुद भी परेशान होती हो, मुझे भी परेशान करती हो। आप कॉल करें। तुमने ख्वाब कब देखा, तुम तो सोई नहीं हो। अम्मी आपको तो पुलिस में होना चाहिए था, ऑफिस से आई थी ना तो सो गई थी, तभी देख लिया था। अब आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो कॉल मिलाएंगी एमन आपी को, बल्कि मैं मिला के देती हूँ। ये ले, बात करें। क्या हुआ? सब्र करो, बेल जा रही है, उसे फोन तो उठाने दो। अल्लाह करे सब ठीक हो, वरना अम्मी क्या हाथों आज मेरी शामत है। तू फोन ही नहीं उठा रही? इधर ला, मैं दोबारा मिला के देती हूँ। नहीं रहने दो, क्या पता सो गई हो, अब इस तरह अच्छा नहीं लगता है उसे बार बार कॉल करना। सुबह मैं खुद फोन करके पता कर लूंगी। अब कैसा मालूम करूं वहां क्या हो रहा है? अंजुम आंटी से तो मुझे वैसे ही डर लगता है, क्या होगा? शाहजेब को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, अभी शाहजेब को कॉल करना ठीक नहीं, अगर अंजुम आंटी ने रिसीव कर लिया तो। ताई जान तुम्हें क्यों डांट रही थी? तुम्हें जान के क्या करना है? ताई जान इतने गुस्से में थी, मैंने कभी तुम पर ताई जान को इतने गुस्से में नहीं देखा। मैं उनका बेटा हूँ, अगर वो मुझ पर गुस्सा हो भी गई तो किसी को प्रॉब्लम क्या है? शाहजेब मैं तुमसे सिर्फ पूछ रही हूँ, तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? उरुज मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, तुम मुझे बताती हो? तुम मुझसे हर बात का बदला क्यों लेते हो? प्लीज उरुज चुप हो जाओ। तुम इतना मुझसे क्यों इरिटेट हो रहे हो शाहजेब, आखिर क्या बात है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो? वाइफ भाई से सुकून होती है, लेकिन तुम मेरे लिए मुसलसल अज़ियत हो। तुम अपनी मामा का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मैं कोई लोअर क्लास औरत नहीं हूँ जो तुम्हारी फजूल बातें बर्दाश्त करे। यही तो टेंशन है उरुज, कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। तो किसने कहा था कि मुझसे शादी करो? तुम भी अपने भाई की तरह ले आते ना कोई लोअर मिडिल क्लास लड़की। वैसे भी तुम्हारे खानदान के मर्द ऐसी औरतों के साथ खुश रहते हैं। माय फुट। कोई तो बात जरूर है जिस पे ताईजान ने शाहजेब को डांटा है और शाहजेब उस पे इतना गुस्सा है, वरना ताईजान बिला वजह कभी भी अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं होते। मर भी जाऊंगी ना आपके लिए, तब भी आपको मेरी परवाह नहीं होगी। फजूल बात मत करो माही, यही सच है शाहजेब, और देख लीजिएगा एक दिन ऐसा जरूर होगा। नहीं माही ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। धोखे हैं बड़े धोखे हैं इस राह में। ऑफिस जाने से पहले मैं अभी को कॉल कर लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो शाहजेब की मम्मा ऑफिस आ जाए। आप रात को फोन भी नहीं उठा रहे थे, कहीं माँ कोई हंगामा तो नहीं हुआ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम माही, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम आपी, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों क्या हुआ?
आप ही आयान भाई की मम्मा ने आपसे कुछ कहा तो नहीं? किस बारे में? इसका मतलब है अंजुम आंटी ने किसी से कुछ कहा नहीं, शुक्र अल्लाह का। हेलो माहीन, तुम क्या कह रही हो? नहीं आप ही, कुछ भी नहीं। वो उरूज की वजह से आपसे नाराज थी ना, इसलिए पूछा मैंने। मामा का मूड मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, और फिर छोटी छोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। अच्छा माहीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। जी आप ही ठीक है, आप भी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी बस ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अल्लाह हाफिज। बाय। शुक्र है अंजुम आंटी ने किसी को कुछ बताया नहीं, अगर अम्मी और अहमन आपी को कुछ पता चल जाता तो मुझे बहुत सुननी पड़ती। तुम्हारी वजह से मामा से अच्छी खासी डांट पड़ी मुझे। कोई बात नहीं, कभी कभी डांट सुनना भी बहुत अच्छी बात होती है। वैसे सीरियसली मैं बहुत डर गया था। शाहज़ेब, हम कब तक इस तरह छुपते रहेंगे? आप शादी कर ले मुझसे। माहीन इतना आसान नहीं। इतना मुश्किल भी नहीं है शाहज़ेब जितना आप समझ रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं इस बात में, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार इस शादी के लिए कोई एग्री नहीं हुई। आप एग्री हैं, मैं एग्री हूँ, और क्या चाहिए आपको? सब ठीक हो जाएगा, हम मना लेंगे सबको। माहीन मैं तुम्हारी तरह सिंगल नहीं हूँ, मैं उरूज को धोखा नहीं देना चाहता, ये सब कुछ मेरे लिए मुमकिन नहीं। और मुझे छोड़ना आपके लिए सबसे आसान है ना, यही कहना चाहते ना? मैंने ऐसा कब कहा? अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो तुम्हारे करीब क्यों आता? तो फिर शादी कर लेना मुझसे शाहज़ेब, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे आपके साथ रहना है हमेशा, प्लीज। अभी नहीं, मैं अभी कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मुझे भूल जाए आप, भूल जाए कि माहीन नाम की कोई लड़की आपकी जिंदगी में हुआ करती थी, भूल जाए मुझे। आपको ना मुझसे मोहब्बत है ना ही मेरी परवाह, मैं आपकी इन बातों से बहलने वाली नहीं हूँ शाहज़ेब। मुझे अभी इसी वक्त बताएं कि आप मुझसे शादी कर रहे हैं या नहीं। जवाब दे हाँ या ना। ठीक है, मिल गया मुझे आपका जवाब, जा रही हूँ मैं आपकी जिंदगी से, आज के बाद आप मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। माहीन, माहीन, बापूजी धीरे चलना, प्यार में सरा संभलना। माहीन प्लीज मुझसे बात तो करो। बाबूजी धीरे चलना प्यार में। मुझे आपसे बात नहीं करनी और कभी भी नहीं करनी, और मैं आपसे तब बात करूंगी जब आप मुझसे शादी करेंगे, बस उसके अलावा मुझे बात नहीं करनी बिल्कुल भी। मुझे आपसे बात नहीं करनी और कभी भी नहीं करनी, और मैं आपसे तब बात करूंगी जब आप मुझसे शादी करें, बस उसके अलावा मुझे बात नहीं करनी बिल्कुल भी। तो बाबूजी पहला कदम है। और जब तक आप एग्री नहीं करेंगे इस बात से, मैं तब तक खुद को भी सजा दूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। सुन लिया आपने? और जब तक आप एग्री नहीं करेंगे इस बात से, मैं तब तक खुद को भी सजा दूंगी, ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी। सुन लिया आपने? माहीन, मुझे जो सजा देनी है वो दे दे, लेकिन प्लीज खुद को ऐसी सजा मत दो, ऐसा ना करो। माहीन, मुझे जो सजा देनी है वो दे दे, लेकिन प्लीज खुद को ऐसी सजा मत दो। एक दिन भूखा रह लूंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा मुझे, बल्कि एक दिन क्या, मैं कभी भी कुछ भी नहीं खाऊंगी, और जब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मान लेंगे। अगर इतनी ही मेरी फिक्र है तो मेरी बात मान लेंगे। जब है वो अकेला तो लाखों है दुश्मन।
मसला है माहीन? कब से देख रही हूं मैं इसी तरह से तुम फोन पे लगी हुई हो। छोड़ो ये, चलो चल के खाना खाओ। हमने एक जरूरी मैसेज करी थी, मोबाइल दे मेरा। तुम खाना खाकर नहीं मैसेज कर सकती थी? ऐसा कौन सा जरूरी मैसेज था? अम्मी मेरा फोन देना। नहीं एक मिनट रुको, कर किसे रही हो तुम मैसेज? ये तो मुझे भी तो जरा पता चले ना। अम्मी वो शाजीब सर को मैसेज करी थी मैं, पता नहीं फाइल मैंने कहाँ रखती है उनकी, वही पूछ रहे थे, क्लाइंट के साथ बैठे रहते। अच्छा तो बता दिया ना, चल के खाना खा लो। उलझन होती है मुझे तुम्हारे हर वक्त मोबाइल पे लगे रहने से। शाजिब ये चेक साइन कर दो, मुझे पैसे निकलवाने। रख दो, कर दूंगा। कर दूंगा का क्या मतलब? अभी कर दो, एक साइन ही तो करना है। मैंने साइन करने से कब मना किया? कह रहा हूं ना कर दूंगा, मेरे सर पे सवार मत हो, यहाँ रख के चली जाओ, मैं साइन कर दूंगा। तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं कोई फकीर हूँ जो तुमसे भीख मांग रही हूँ। शुक्र कि तुम्हें ये तो ख्याल है कि हमारे दरमियान रिश्ता है। तुम्हें याद तो है कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन शायद तुम ये भूल गई हो कि एक वाइफ का फर्ज क्या होता है। कम ऑन शाजिब, मैं इस वक्त लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम्हें हमेशा अपने मूड की होती है, कभी ये जानने की कोशिश करिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्या मूड है। अगर मुझे पता होता ना कि एक चेक साइन करने पे तुम मुझे इतनी बातें सुनाओगे तो मैं बाबा से ही पैसे ले लेती। हाँ तुम्हें अपने पैसों से ही मतलब, चाहे तुम्हें कहीं से भी मिले। दो इधर। मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि तुम मेरी बेइज्जती करो और मैं तुमसे पैसे लूँ। चेक नहीं लेना था तो मना कर देती, तुम खुद को समझती क्या हो? ताकि तुम्हें भी तुम्हारी इंसल्ट का एहसास हो। रूज अगर मैं एहसास दिलाने पर आया तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आइंदा तुमने मेरे साथ इस तरह की बात की ना तो मैं तुम्हें ताईजान से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। रोज मुझे परेशान कर रही हो मैं, तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हें नाराज नहीं देख सकता। और ये क्या बेवकूफी, तुम कह रहे हो कि तुम खाना नहीं खाओगी? तो और क्या करूं? मैं अपने आप को तकलीफ दे सकती हूं लेकिन आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। इसलिए कहते हैं कि इंसान को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तो आपसे किसने कहा है कि आप मुझसे मोहब्बत करें? यही तो मोहब्बत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी की परमिशन की मोहताज नहीं होती, बस हो जाती है। और इतनी बड़ी दुनिया में उससे होती है जिसको आपकी जरा भी परवाह ना हो। यार जो तुम चाहती हो मैं नहीं कर सकता, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कॉल क्यों किया मुझे? मुझसे बात भी अब तभी कीजिएगा जब आप ये सब कुछ कर सकते हो। बाय। माहीन प्लीज फोन मत बंद करना, इतनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें मनाया तुम फिर नाराज हो गए। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। मेरी जरा परवाह नहीं है आपको। मर भी जाऊंगी ना आपके लिए तब भी आपको मेरी परवाह नहीं होगी। फजूल बात मत करो माही। यही सच है शाजिब, और देख लीजिएगा एक दिन ऐसा जरूर होगा, फिर आपको पता चलेगा। जब मोहब्बत छिन जाती है ना तो उसके जाने के बाद ही कदर होती है, शायद आपको भी हो जाए। बाय। नहीं माही ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें चाहता हूँ। ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जब कहोगी हम शादी करेंगे। वाकई शाजिब?
हाँ माहीन, मैं बहुत अकेला हो गया, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है शाहजेब, हम कल ही निकाह करते हैं। क्या कल, इतनी जल्दी? अच्छा चलें ठीक है, कल नहीं कर सकते तो परसों कर लेते हैं। अब मेरी इतनी बात तो रख ही सकते ना। अगर माहीन, अगर मगर कुछ नहीं शाहजेब, आई लव यू सो मच। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया। मैं आपको हमेशा खुश रखूंगी और कभी मेरे होते हुए आप अकेला फील नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। थैंक यू माही, एंड आई लव यू टू। अच्छा ये सब छोड़ो और जल्दी से जाके खाना खाओ। खाना? हाँ तुमने कुछ नहीं खाया था ना, चलो अब खाना खाओ पहले, फिर हम बात करेंगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ। और आइंदा खाना खाना मत छोड़ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे लिए तुम भूखी रहो। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़। इसलिए तो शाहजेब ने खाना खा लिया। अरे अरे ये क्या कर रही हो? मैं लगा मैंने टैबलेट खा ली है। अब तुम आराम करो, बस अब ज्यादा पेन तो नहीं। पहले था मगर अब नहीं है। माहिन तुम इस वक्त यहाँ? आप यही सोच रहे होंगे ना कि शादी से एक दिन पहले मैं अपने ससुराल में क्या कर रही हूँ। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन ले। तो सुनने दे, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हैं। तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ इस वक्त कर क्या रही हो? परेशान मत हो, मैं अभी यहाँ अपने ससुराल के रिश्ते से नहीं बल्कि मैके के रिश्ते से आई हूँ, क्योंकि ये मेरे पापा का घर भी तो है। अगर तुम आई क्यों हो अभी? कल हमारी शादी है ना, तो मैंने सोचा कि मेहंदी की रस्म भी हो जानी चाहिए आज ही। What? तुम्हारा दिमाग तो ठीक। शाहजेब शादी को लेकर हर लड़की कितने आरामत है। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपके नाम की मेहंदी अपने हाथों पे लगाऊं, मेरा इतना भी हक नहीं बनता क्या? प्लीज समझने की कोशिश करो, इस बात की भनक किसी को भी लग गई तो सारा अरमान दिल में लेके बैठे रहना। तो क्या मैं अपनी शादी के लिए मेहंदी भी ना लगवाऊं? माहीन आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम्हें? हम बाहर निकल के बात करते हैं। मैं मेहंदी लगवाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी शाहजेब। क्या हो गया माहीन तुम्हें? यहाँ मुझे मरवाने के इरादे से आई हो? आप बिला वजह घबरा रहे हैं शाहजेब, कुछ भी नहीं होगा। ये तुम कह रही हो, लेकिन अगर यहाँ किसी को पता चला तो तुम्हारे हाथों पर मेहंदी के बजाय मेरा खून रख दिया जाएगा। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं शाहजेब? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। तो फिर प्लीज जाओ यहाँ से। मैं अपनी जेठानी से मेहंदी लगवाऊंगी फिर जाऊंगी यहाँ से। जेठानी? कौन जेठानी? अहमद आपी, मेरी जेठानी हुई ना वो, आपकी भाभी मेरी जेठानी। माहीन यहाँ मेरी जान पे बनी और तुम्हें मजाक सोच रही? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? अभी आई थोड़ी देर पहले। अब एमन आप ही नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अपने रूम में है। अच्छा मैं मिलती हूँ उनसे जाके। अम्मी ने आपको सलाम कहा था?
वालेकुम सलाम। शाहज़ेब, माहीन का आपसे बात करनी है। जी भाभी। हेलो। मैं आपको जहां बुला रही हूँ वहां अभी और इसी वक्त आ जाएं। शाहज़ेब, आप कहीं जा रहे हैं? मामा वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ऑफिस मीटिंग है। वैसे माहीन बहुत जिद्दी हो तुम। जैसे भी हूँ आप क्यों?